गांव की सरकार के इस एपिसोड में हम ग्राम निदौरी में हैं, जहां के प्रत्याशी पंकज कुमार पांडे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कौन से ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिस मुद्दों के साथ ये गांव के लोगों के बीच में उतरे हैं। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। आप इससे पहले भी अपने एक काम पूरा कर चुके हैं? जी जी, हमारी वाइफ को अच्छा। हम बहुत सारे काम किए गांव के विकास के, कुछ काम अधूरे रह गए हैं, जैसे आवास रह गए हैं, रास्ते रह गए हैं, बाकी सारा काम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आप पिछले प्रधान रह चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि पिछले जो टर्म आपके रहे थे उसमें आपने कौन कौन से विशेष कार्य किए जो लोगों तक आप पहुंचा भी सके और लोग गांव के जैसे विकास होता है, शौचालय होता है, रास्ते होते हैं, ये सब काम होते हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं, कुछ काम रह चुके हैं, जो काम अधूरे थे विवादित काम से विवादित काम से पूरे हुए हैं, कुछ उसमें रह गए हैं। पंचायत भवन बन गया है, सामुदायिक शौचालय बनवा दिए हैं। अच्छा, जो 5 साल का आपका समय रहा उसमें आपने सबसे पहले तो लोगों को सुविधा न हो, फिर बाकी जो दूसरे आपकी मूलभूत सुविधाएं थी, पानी, ये सब चीजों का क्या स्टेटस है, कैसे आप? बिजली हमारे यहाँ जो पहले से कमी थी उसकी पूरी हो चुकी है। बिजली की व्यवस्था, जैसे नल की व्यवस्था, नल की काफ़ी तरह से व्यवस्था हो चुकी है, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। रास्ते में कुछ काम अधूरे थे, जो विवादित चक रोड थी वो भी बन चुकी है, उस पर इंटरलॉकिंग है, करंजा होना है, तो ये सब काम रह गए। जो विवादित क्षेत्र थे वो छोड़ के बाकी सारे विवादित भी पूरा कर, वो भी आप कर सकते। जी जी। तो इस टर्म ये जो आपका टर्म आएगा, उस टर्म में आपके क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को सेफ देना चाहेंगे? जो सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा आती हैं गांव तक पहुंचाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। गांव का विकास करेंगे, गांव का विकास होगा। मैं मतलब अभी जब यहाँ पे पूरा अभी भ्रमण कर रहा था, कस्बे के कई गाँवों में मैं गया, तो मैंने देखा कि जो मूलभूत चीज है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं वो किसान हैं, लेकिन जो किसानी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो पूरे चुनावी मुद्दे में एकदम गोल है, वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो वो उस पर आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्योंकि पिछले आपने टर्म में भी आपने बताया, लेकिन मतलब मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया, और ये रोजगार का साधन भी है, लोगों का जीविकोपार्जन भी उसी से ही चलता है, तो उस पर आप क्या फोकस कर रहे हैं? अब फोकस क्या सर, गवर्नमेंट जो योजना चलाती है हम लोग उसी फोकस करते हैं, वही योजना चलाते हैं गाँव में, और योजना पूरी तरह चालू किया जा लागू किया जाता है। ऐसे किसान के कई सारे योजनाएं तो हैं, लेकिन मैं खुद अपना पर्सनली अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं बिहार में भी अभी कुछ दिन पहले गया हुआ था, वहाँ पे भी मैंने ये देखा कि जो मूलभूत किसानों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्रधान स्थानांतरित नहीं कर पा रहे, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। अब वो तो गवर्नमेंट के सिस्टम है, गवर्नमेंट जैसे चालू करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाता है, गवर्नमेंट जो आदेश आता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं, शौचालय की सारी व्यवस्था यहाँ पर। और कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता हो जो इस टर्म में और आप प्रॉमिसिंग आप देना चाहते हो, शिक्षा से रिलेटेड या महिला से रिलेटेड, महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल? अब एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की योजना है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनना है, उसके लिए प्रोजेक्ट किया गया, वो भेजे हैं, और पानी की टंकी की व्यवस्था है, पानी की टंकी की व्यवस्था आप करना चाहते हैं? जी, उसका भी प्रस्ताव हो चुका है, पास होकर चला गया है, तो बनना है। शौचालय 100% ये हमारे साथ आज ग्राम निथौरा से, गाँव निधौरी से पंकज कुमार पांडे जी थे, जो कि बता रहे थे कि उन्होंने पिछला जो टर्म्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, और उनकी जो आकांक्षाएं हैं कि लोग उन्हें फिर से प्रधान के पद पे निरूपित करें। पिछली बार इनकी वाइफ ने ये टर्म कंप्लीट किया था, मेरे ख्याल से आरक्षित सीट रही होगी, तो नेक्स्ट आपका जो टर्म होगा वो पंकज जी खुद संभालने के लिए उत्सुक हैं, और इनकी जो अभिलाषाएँ हैं वो जन समुदाय से है कि जन समुदाय इनको वोट 15 तारीख को करें, इमली वाले चुनाव चिन्ह पे करें, और नेक्स्ट अगर इनको टर्म मिलता है तो ही वेरी मच प्रॉमिसिंग कि पेयजल की समस्या को ये दूर कर देंगे, बाकी शिक्षा से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, जो भी गांव में अगर कुछ सरकारी योजनाएं आ रही हैं तो वो लोगों तक जन जन तक पहुँच जाएगी। जन मीडिया टीवी में नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम निदौरी गांव में हैं इस समय, और हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, आइए जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को ज़्यादा समर्थन देंगे। नमस्कार, क्या है पिछला टर्म कैसा रहा प्रधान का, और आगे जो आप ये इलेक्शन आ रहे हैं उसमें किस तरह से उसको आप? पहली बात मिश्रा जी, मैं आपका
देता हूँ। मैं जनार्दन प्रसाद पांडे, पहले मैं परिचय दे दूँगा। मैं जनार्दन प्रसाद पांडे, ग्राम सभा देवरी, मैं घाटी का हमारे जिला परिषद का जिला महामंत्री हूँ। तो 20 साल इसके पहले प्रधानी रही, 2015 के पहले। हमारे गांव में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, शिक्षा न स्वास्थ्य, किसी प्रकार का विकास गाँव में नहीं। 5 साल से ये प्रधान जी पंकज पांडे की पत्नी सीमा पांडे जी प्रधान हुई, उसमें इन्होंने गांव का काफ़ी विकास किया। इसी वजह से गांव का जन समुदाय इनके साथ में भली भांति जो है जुड़ा हुआ है और आकर्षित है, और भगवान की कृपा होगी तो फिर पुनः अच्छी मतों से प्रधान बनने जा रहे हैं। ये प्रधान जी हमारे गाँव में जितनी भी मूलभूत समस्याएँ थी उनको, सारी समस्याओं को समाप्त करके इन्होंने गांव वालों को सारी सुविधाओं को मुहैया कराया। जल निगम, हैंड पंप लगवाए, रास्ते बनवाए, और जो आप किसानों की बात प्रधान जी से पहुँचा, किसानों के हित में उन्होंने ये काम किया कि जो नालियां सरकारी छूटी हुई हैं गांव को पानी सींचने के लिए, ये मनरेगा के अंतर्गत सारी नालियों को खनवा करके गाँव के किसानों को पानी सींचने के लिए सारी व्यवस्था बिल्कुल करा दी है। जितने सरकारी नाली छूटी हुए खेती सींचने के लिए निकलता है पंकज पांडे का। हाँ, बच्चों के मुँह से आप घूम करके गांव में देख लीजिए। ये आप यूथ हैं, आप बताइए क्या यूथ के लिए पंकज जी ने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था अच्छी की है और इन्होंने एक अच्छा काम किया कि किसी आदमी के हित के लिए वैसा काम नहीं किया, इन्होंने विरोधी का भी काम किया और जो पक्ष में था उसका भी काम किया। इन्होंने निष्पक्ष काम किया है पूरे गाँव में, सारे वर्गों को इन्होंने समायोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप राजेश, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताओ, आप आइए गांव में सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हुआ। पहले घर में पाल को बुलवा के सब काम करवा दिया। ऐसा नहीं है कि केवल अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होगा, किसी के अंदर है ही नहीं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और गरीबों के मनरेगा के अंदर रोजी रोटी बराबर दिए कोरोना काल में। अच्छा, सबको बराबर। भैया आप कुछ बताएंगे? बताओ, बोलो बोलो बोलो। हमारे गांव के प्रधान जब से मेरी एज है, हमने भी कई बार वोट दिया है, ऐसा प्रधान हमने पहली बार देखा है। तो कोविड के टाइम पे भी कई प्रधान ऐसे हुए कि अपने जो दिए हुए समर्थक या विरोधी किसी का इन्होंने किसी प्रकार से याद नहीं किया। ये प्रधान ऐसा था कि किसी प्रकार का किसी चिंता नहीं का, जा किसी घर में किसी को दवा की जरूरत है, किसी गाड़ी जो परमानेंट उसके यहाँ बैठना, उसकी हेल्प करना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की जब सबसे अच्छी व्यवस्था इन्होंने स्कीम दिया लैट्रिन का, हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कह सकता हमको नहीं मिला। इस गांव के आप और कहीं गांव चले जाओगे, पब्लिक ये बोलेगी कि हमको नहीं मिला। इस प्रधान ने हर स्कीम का जन जन के घर में पहुंचाया। जो प्रधान हमेशा तत्पर है अपने काम के प्रति और पब्लिक को हर स्कीम दे रहा है, वो प्रधान सबसे अच्छा है। प्रधान बहुत होते हैं, कौन प्रधान बनेंगे? हम 5 साल बन गए, हम बैठे खाए पिए चले गए। प्रधान ऐसा हो जो हर एक रुपए का हिसाब, गवर्नमेंट का एक स्कीम आया तो गांव के हर एक घर के व्यक्ति को बताया, भाई हमारे घर में ये स्कीम आया आप ले लो, ऐसा प्रधान सबसे अच्छा प्रधान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार पांडे, ग्राम सभा दौरी से हूँ, और पंकज प्रधान इसके पहले भी, और पंकज प्रधान जब से हुए हैं इसके पहले हम इनके साथ नहीं थे, लेकिन इनका कार्यकाल देख के इनके साथ हुए हैं खुले तौर पे। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया लड़का, संस्कारी लड़का। यहाँ तक कि जो निवास आया था, चाहे प्रधानमंत्री निवास हो, मुख्यमंत्री निवास हो, गांव के कुछ लोग उसका खुल्ला खुल्ला विरोध भी किए, ठीक कि हम जब अपने कार्यकाल में नहीं दिए हैं तो इनके में ये देंगे तो अगर इनका नाम होगा
तो तमाम तरह के एप्लीकेशन दिए गए, ये सब अनलीगल काम है। बाकी बहुत बढ़िया लड़का, संस्कारी लड़का, गांव का विकास अच्छे से किया है। जन जन तक, चाहे अपना पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जन जन तक सरकारी योजना जितनी भी आई है सब पहुँचा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, एक अच्छा आपको यहाँ पे समाहित मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तारीफ कर रहे हैं पंकज जी का। और मैं चाहूँगा कि ये जो विकास कार्य है जो पंकज जी कर रहे हैं, उससे प्रेरित होके बाकी जो प्रधान है वो भी करें।